वो मौका हमने देखा है, हमारे सबके साथ ये चीज होता है कि दोस्तों पांचवें टेस्ट के लिए बदला टीम इंडिया का स्क्वाड। कप्तान रोहित शर्मा और मोहम्मद सिराज हुए पांचवें टेस्ट से बाहर। आईपीएल से ठीक पहले ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह की हुई इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में वापसी। जी हां दोस्तों, इस समय टीम इंडिया और ऋषभ पंत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर कोई और नहीं बल्कि खुद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने दी है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही, जिसमें भारतीय टीम सीरीज के लगातार तीन मुकाबले को जीतकर सीरीज पहले ही 3-1 से अपने नाम कर चुकी है। तो वहीं सीरीज का पांचवा और आखिरी मुकाबला 7 मार्च को धर्मशाला के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है, जिसके लिए आज दोनों ही टीमें धर्मशाला पहुंच चुकी है। तो वहीं इस मुकाबले से ठीक पहले रोहित शर्मा के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही। खबरों के माने तो नेट्स में प्रैक्टिस के दौरान रोहित चोटिल हो गए, जिस कारण से वो पांचवें टेस्ट में आपको खेलते नजर नहीं आएंगे और उनकी जगह पर ऋषभ पंत की वापसी हो सकती है, जहां ऋषभ वापसी के साथ साथ कप्तानी करते भी नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, KL राहुल और ऋषभ पंत में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, कॉमेंट में जरूर बताएं।